वेलकम टू ताज। वेलकम टू माई रूम। यह मेरा रूम नंबर 1909 एंड आई हैव बुक्ड अ सी व्यू रूम। नाउ आई विल क्विकली शो यू क्या क्या है यहाँ पे। ये है कुशन, नीचे है ट्रेजरी बॉक्स एंड उसके नीचे है हम कुछ भी स्टफ रखने के लिए थोड़ा जगह है। ये है एक क्लोजेट जिसमें मैं मेरे कपड़े रख सकती हूँ। उसमें एक आयन भी दिया हुआ था, जैसे कि आयन का कोई यूज़ नहीं है, आयन करना है, बट पॉलिश करना है, कुछ भी चीज़ें वो हमें करके देते। और ये मेरी मम्मी चॉकलेट केक उसका बहुत फेवरेट है तो बचा के रखा है उसने फिर खाने के बाद। और ये है मेरा रूम। ये है किंग साइज बेड और मैंने पहना है ऑरेंज आउटफिट। ये रूम के वाइब्स मुझे बहुत ही वार्म वाइब्स लगे, तो ऑरेंज रेड जाना मुझे बहुत पसंद है। आप सबको पता ही है हम यहाँ से लेते हैं बोट और जाते हैं अलीबाग, आई मीन टू से फेरी। एंड इफ यू गाइस रिमेम्बर मैंने यहाँ पे एक शूट किया था एक यॉट में। मेरा मन कर रहा अभी भी करूँ। अब मुझे लग रही है बहुत सारी भूख और मैं जा रही हूँ खाना खाने। हम आए हैं शामियाना रेस्टोरेंट जो कि ताज का एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है। ताज में टोटल 6 रेस्टोरेंट है, उसमें से मैंने 3 रेस्टोरेंट ट्राई किए हैं। शामियाना मेरा सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट रहा है बिकॉज इट्स अ मल्टी क्यूजिन, तो हमें सारे टाइप्स का फूड टेस्ट करने मिलता है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं ताज के सारे रेस्टोरेंट्स का एक डिटेल वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी। मम्मी और मैं गए थे जीवा स्पा। अब हम जस्ट स्पा से निकले हैं। स्पा का इंटीरियर बहुत ही कोजी एंड ब्यूटीफुल था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं, तो मैं शूट नहीं कर सकी। ये है लॉबी एरिया और ये जो वे है ये ताजमहल टॉवर और ताजमहल पैलेस को कनेक्ट करने वाला वे है। और चलते चलते हमें एक ब्यूटीफुल सा कॉर्नर दिखा था, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक वीडियो ले लूँ, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फ्रेम्स ये मेरे बहुत फेवरेट होते हैं और ये कॉर्नर सच में बहुत ही प्यारा था। आप अगर ताज से बाहर से पास होते हो तो आपको बहुत लग्जरियस स्टोर दिखते होंगे, बुटीक्स दिखते होंगे, एक एलपी का शॉप भी है अंदर, तो वही ये लेन है जहाँ पे आप स्टोर्स देख सकते हो। एरिया है ताज पैलेस का। ये डोर्स के उस पार हम जाएंगे तो ये है एक रेस्टोरेंट ताजमहल पैलेस का जो कि ग्राउंड फ्लोर में है। और ये जो आरती है वो रोज इवनिंग में 6 o'clock को ताजमहल पैलेस में होती है। So now I'm going to a souk, which is a Mediterranean restaurant on rooftop. So
will be fine. Welcome to Souk. I'm Chef Simon, and this is the private dining room of the Souk Casablanca, named after the Moroccan city. Known as a chef table for the private dining room Casablanca, usually 7-course menu will be designed by the guests themselves. So in one day advance booking, we make the setup, the roses, the flowers, whatever you like. We use Versace for the cutlery. 40,000 value, including by champagne, under the food, and Christmas, New Year, and 14th of February, different package. And now we are going to a sea lounge, that is a seaside restaurant at Taj Mahal Palace. रेस्टोरेंट में जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब हुई है सुबह और हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। ये है ताजमहल पैलेस और ताजमहल टावर का जो एक कॉमन स्विमिंग पूल है वो ही है ये। एंड मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट एट शामियाना रेस्टोरेंट और अब मैं जा रही हूँ घर। आई होप यू गाइज इन्जॉयड माई वीडियो। आपको और भी ऐसे न्यू वीडियोस मेरे साथ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड लाइक करना नहीं भूलना। बाय। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, और आप मुझे DM कर सकते हो आपको जो भी पूछना है। एंड यस, शेयर दिस वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स।